बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से बड़ी खबर, माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर। माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ बी वारंट जारी, एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया है बी वारंट। माफिया मुख्तार अंसारी से पूछताछ करेगी ईडी। अब्बास अंसारी शर्जील के बयान क्रॉस चेक करेगी ईडी। बेटे और साले से बयानों का क्रॉस चेक करेगी ईडी। अंसारी को प्रयागराज कोर्ट में पेश करने की तैयारी, कोर्ट ने 15 दिसंबर को पेश करने का दिया आदेश। बड़ी जानकारी आप तक बता रहे हैं बड़ी खबर। प्रयागराज से माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी ये बड़ी खबर। माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ बी वारंट जारी, एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया बी वारंट। माफिया मुख्तार अंसारी से पूछताछ करेगी ईडी। अब्बास अंसारी शर्जील के बयान क्रॉस चेक करेगी ईडी। वहीं आपको बता दें कि बेटे और साले से बयानों का क्रॉस चेक करेगी ईडी। अंसारी को प्रयागराज कोर्ट में पेश करने की तैयारी, कोर्ट ने 15 दिसंबर को पेश करने का दिया आदेश। मुख्तार अंसारी के खिलाफ बी वारंट जारी, बड़ी खबर बड़ी जानकारी। प्रयागराज से माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ बी वारंट जारी। एमपी एमएलए कोर्ट ने बी वारंट जारी किया है। माफिया मुख्तार अंसारी से पूछताछ करेगी ईडी। अब्बास अंसारी शर्जील के बयान क्रॉस चेक करेगी ईडी। बेटे और साले से बयानों का क्रॉस चेक करेगी ईडी। अंसारी को प्रयागराज कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जा रही है। कोर्ट ने 15 दिसंबर को पेश करने का दिया आदेश, यानी कि कल के दिन कोर्ट में पेश किया जाएगा अब्बास अंसारी को। बड़ी जानकारी अब तक बता रहे हैं प्रयागराज से। माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी ये बड़ी खबर। माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ बी वारंट जारी, एमपी एमएलए कोर्ट ने बी वारंट जारी किया है। माफिया मुख्तार अंसारी से पूछताछ करेगी ईडी। अब्बास अंसारी शर्जील के बयान क्रॉस चेक भी करेगी। बेटे और साले से बयानों का क्रॉस चेक करेगी ईडी। अंसारी को प्रयागराज कोर्ट में पेश करने की तैयारी, कोर्ट ने 15 दिसंबर को पेश करने का दिया आदेश, यानी कि कल कोर्ट में पेश किया जाएगा माफिया मुख्तार अंसारी को। ज्यादा जानकारी के साथ राघवेंद्र मिश्रा जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ बी वारंट जारी किया गया है, क्या कुछ विशेष जानकारी है? जी बिल्कुल, एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ बी वारंट जारी किया है, जिसको लेकर कल भी चर्चा थी कि 15 दिसंबर यानी कल उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, किंतु थोड़ा सा इसमें सुधार हो गया। आज ही के दिन उनको 14 दिसंबर को ही जिला जज न्यायालय में पेश किया जाएगा। दोपहर 2:30 बजे बांदा जेल से उनको लाकर आज ही जिला जज के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि उनके उनके जो साले हैं, जो उनका लड़का अब्बास अंसारी है, 20-25 दिन से लगातार जो है ईडी प्रवर्तन निदेशालय उनके साथ पूछताछ कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर। उनके बयानों को लेकर भी ईडी ने थोड़ा सा आशंका जताई है, संदेह जताया है, इस पर भी क्रॉस चेक करेगी। तो कल जो सूचना थी 15 दिसंबर को पेश करने के लिए जिला जज, तो आज ही दोपहर 2:30 बजे 14 दिसंबर यानी आज ही उनको जिला जज के कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि जिस प्रकार से ईडी और यूपी सरकार मुख्तार अंसारी के खिलाफ लगातार जो है एक्शन ले रही है, माफिया जान के खिलाफ, उनके बेटे, उनके साले और उनकी पत्नी आफ्ता के खिलाफ भी कई मामले दर्ज हैं। हालांकि एक जो है 59 मामले केवल मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज है, जिनको दो मामलों में, एक मामले में 7 साल की सजा और 5 साल की सजा हुई है। किंतु इधर जो है मनी लॉन्ड्रिंग के जो भी मामले सामने आए हैं, प्रवर्तन निदेशालय लगातार अब्बास अंसारी के जो भी कारनामे रहे हैं, जो गैंगस्टर संबंधी या जो भी इन्होंने जो भी घोटाले किए हैं, उसको लेकर लगातार इनसे पूछताछ कर रही है। इनके साले, अब साले और जो है इनका लड़का अब्बास अंसारी आज भी ईडी के कस्टडी में है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। तो क्रॉस चेक करने की जहां बात आई है, क्रॉस चेक भी करेगी ईडी। और आज जिला जज 2:30 बजे आज जिला जज अदालत में पेश किया जाएगा। हालांकि एमपी एमएलए कोर्ट ने 15 दिसंबर के लिए बी वारंट जारी किया था, किंतु कुछ कोर्ट में विचार विमर्श हुआ होगा, जिसको लेकर आज 14 दिसंबर को ही 2:30 बजे मुख्तार अंसारी को जिला जज के कोर्ट में पेश किया जाएगा। राघवेंद्र, ईडी जो है वो मुख्तार अंसारी से पूछताछ करेगी, तो वहीं क्रॉस चेक करने की भी बात सामने आ रही है कि अब्बास अंसारी और शर्जील के बयान क्रॉस चेक किए जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार से शर्जील के साले और अब्बास अंसारी जो लड़का है, उनके बयानों को लेकर जो भी
त्रुटियां हैं, जो भी कमियां ईडी को नजर आई है उसको भी लेकर क्रॉस चेक करेगी, इनसे पूछताछ करेगी। हालांकि पहले इनको जिला जज के कोर्ट में पेश किया जाएगा दोपहर 2:30 बजे और कड़ी सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि बांदा जेल से सीधा इनको इलाहाबाद जिला जज के यहाँ जिला अदालत में पेश किया जाएगा। और इनके बयानों को भी हो सकता है ईडी रिमांड में ले ले, मुख्तार अंसारी के को भी रिमांड में ले और उनसे सख्ती से पूछताछ करे। तो जो भी बयान अब्बास अंसारी के लड़के वो अब्बास अंसारी और सरजील रजा इनके साले ने दिया है और मुख्तार अंसारी के भी बयानों को लेकर उसको टैली कर सकती है, उसको मिलान कर सकती है, क्रॉस चेक कर सकती है। इसी को लेकर जो है जो कल पेशी होने वाली थी मुख्तार अंसारी की, आज ही जिला जज की अदालत में उनको पेश किया जाएगा और रिमांड की भी मांग कर सकती है ईडी जी। राघवेंद्र बहुत बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जुड़ने के लिए, विशेष जानकारी देने के। तो बड़ी खबर आपके सामने, मुख्तार अंसारी के खिलाफ बी वारंट जारी किया गया है, कोर्ट ने 15 दिसंबर को पेश करने का आदेश दिया है।